चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चुड़ाव एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चुड़ाव को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अपने जंगल के नदी किनारे आपको ले चलता हूँ, वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चुड़ाव बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चुड़ाव और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चुड़ाव सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा, मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर भी घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान के लिए टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं, मैंने बीमारी का बहाना टोनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टोनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी। क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है, ऐसा कर तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवे बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चुड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टुनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ, अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़िया सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़िया को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।